हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हाजिर हूँ आपके सामने एक ज़बरदस्त एनिमेटेड हॉरर थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन लेके, जिसका नाम है द प्रॉमिस नेवरलैंड, जो कि एक जापानीज एनिमे सीरीज़ है। इस सीरीज़ को आईएमडीबी पे 8.3 की रेटिंग मिली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में टोटल 12 एपिसोड है और हम इस वीडियो में 1 to 6 एपिसोड को कवर करेंगे। तो एपिसोड 1 की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहां हम 3 बच्चों को देखते हैं जिनका नाम नॉर्मन, ईमा और रे होता है। वो लोग एक गेट के पास खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि गेट की दूसरी तरफ क्या होगा। वो लोग आज तक गेट की दूसरी तरफ नहीं गए होते हैं, और क्योंकि उनके मॉम ने उन्हें पहले से बता रखा था कि गेट के उस तरफ बहुत बड़ा खतरा है, और सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में ग्रेसफील्ड नाम के अनाथ आश्रम को दिखाया जाता है, और वहाँ हम नॉर्मन, ईमा और रे को देखते हैं, जो कि इस अनाथ आश्रम के स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बाद हम वहाँ ईसाबेला नाम की लेडी को देखते हैं, जो कि इस अनाथ आश्रम में उन बच्चों का ध्यान रखती है, और सारे बच्चे इन्हें ही मॉम कहकर बुलाते हैं, और सारे बच्चों में से मॉम को सबसे अच्छी एमा लगती है। इसके बाद हम व्यूअर एक चीज़ नोटिस करते हैं कि वहाँ जितने भी बच्चे हैं उनके नेक पर 5 डिजिट का नंबर प्रिंट होता है, और इस अनाथ आश्रम में एक अजीब रूल भी होता है, अगर कोई भी बच्चा 12 साल का हो जाता है तो उसको अनाथ आश्रम छोड़कर जाना पड़ता है। कोई ना कोई उस बच्चे को गोद ले लेता है और उसको इस फैमिली के साथ जाना होगा। लेकिन आज के एक 6 साल की बच्ची, जिसका नाम कॉनी, को किसी फैमिली ने गोद नहीं लिया होता है, इसीलिए उसको अनाथ आश्रम छोड़ के जाना था। इसके बाद हम सभी बच्चों को एग्ज़ाम देते हुए देखते हैं। एग्ज़ाम के बाद मॉम रिजल्ट्स अनाउंस करती है, और सबसे अच्छा रिजल्ट नॉर्मन, एमा और रे के आते हैं। सारे बच्चे उनकी तारीफ करते हैं। ये देखकर डॉन नाम का लड़का गुस्सा हो जाता है और नॉर्मन को टैग गेम के लिए चैलेंज करता है। टैग गेम लुका छिपी की टाइप जैसे होता है, और नॉर्मन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब गेम स्टार्ट होता है और नॉर्मन जल्दी ही सारे बच्चों को ढूंढ लेता है। वो कोनी और डॉन को भी ढूंढ लेता है। अब बस एमा बची हुई थी, वो जंगल में भाग रही थी, और उसको भी टैग कर देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि नॉर्मन बहुत स्मार्ट लड़का होता है। इसके बाद डॉन नॉर्मन को री चैलेंज देता है और गेम फिर से स्टार्ट होता है। अब नॉर्मन और एमा उस गेट तक पहुंच जाते हैं। फिर एमा नॉर्मन से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए इस गेट को पार नहीं करना है, क्योंकि मॉम ने ऐसा करने से मना किया है। फिर वहाँ पर रे, डॉन और बाकी के बच्चे भी आ जाते हैं, और गिल्डा नाम की लड़की का पूछना था कि जो भी बच्चे यहाँ से वापस जाते हैं वो हमें लेटर क्यों नहीं लिखते हैं। इस पर नॉर्मन कहता है कि उनके पेरेंट्स उसको इतना प्यार करते होंगे, इसीलिए उनको ये सब करने का टाइम ही नहीं मिलता होगा। शाम हो जाती है और अब कॉनी के जाने का टाइम हो जाता है, और सभी बच्चे इमोशनल होते हुए उसको अलविदा कर रहे होते हैं। रूम में एमा कॉलोनी की डॉल को नोटिस करती है, और वो उसको देने के लिए नॉर्मन के साथ गेट की तरफ भागती है। गेट के पास उन्हें एक बड़ा ट्रक दिखता है, जिसमें बैठकर कॉनी घर जाने वाली थी, लेकिन उन्हें वहाँ कॉनी नहीं दिख रही थी। फिर एमा उसको ट्रक के पीछे देखती है, और फिर नॉर्मन भी देखता है। वो दोनों देखते हैं कि कॉनी को किसी ने मार दिया होता है। ये देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, और फिर उन दोनों को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। ट्रक के नीचे से वो दोनों को मॉन्स्टर शैडो को देखते हैं, जो इंसानी आवाज़ में बात कर रहे होते हैं, और वहाँ उन्हें साथ मॉम भी होती है। वो कोनी की डेड बॉडी को एक ट्यूब में रख देते हैं। इसके बाद एक मॉन्स्टर को फील होता है कि ट्रक के नीचे कोई छुपा हुआ है। इससे पहले कि वो चेक कर पाता, नॉर्मन और ईमा वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि ये अनाथ आश्रम एक फार्म की तरह है, जिसमें बच्चों को बड़ा किया जाता है ताकि वो मॉन्स्टर को फीड करा सकें, और इसमें मॉम भी शामिल है। वे दोनों भागकर स्कूल की तरफ जाते हैं, जहां उनका इंतजार रे कर रहा होता है। वो उनसे पूछता है कि तुमने कोनी को उसकी डॉल वापस कर दी, लेकिन वो लोग उसको रिप्लाई नहीं करते हैं। इसके बाद वो दोनों रूम में पहुंचकर भागने का सोचते हैं, लेकिन एमा बाकी बच्चों को वहां नहीं छोड़ सकती थी। रूम के बाहर से रे उनकी सारी बात सुन लेता है। इसके बाद हम गेट के पास मॉम को देखते हैं, जिसके पास कोनी वाली डॉल थी, यानी कि मॉम को पता चल जाता है कि ट्रक के पास कोई आया था, और एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत एमा के सपने से होती है, जहां एमा कॉनी की बॉडी को मॉन्स्टर के डाइनिंग टेबल पर देखती है। तभी उसको आंख खुल जाती है। अब एमा को मॉन्स्टर के साथ मॉम से भी डर लगने लगता है। इसके बाद नॉर्मन एमा को बोलता है कि हमें नॉर्मल बिहेव करना होगा, वरना मॉम को पता चल जाएगा कि हम दोनों ही वहां गए थे। इसके बाद नॉर्मन एमा को बताता है कि मॉन्स्टर की बात से उसने एक चीज़ नोटिस की है, कि जो कि मॉन्स्टर को बच्चों का ब्रेन खाना होता है, इसीलिए बच्चों को 12 साल तक बड़ा किया जाता है, और उसके बाद मॉन्स्टर को दिया जाता है। और 6 साल के जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जिनके मार्क्स कम होते हैं, उन्हें पहले ही मॉन्स्टर को दे दिया जाता है, और अब 2 महीने बाद फिर किसी बच्चे को भेजा जाएगा, यानी कि इनके पास भागने के लिए 2 महीने का ही टाइम है। सीन शिफ्ट होता है, और एक बच्चा मॉम को बोलता है कि मेरी फ्रेंड नेला
फॉरेस्ट में खो गई है। फिर मॉम अपने पॉकेट से एक वॉच निकालती है और कुछ ही देर में उसको ढूंढ कर वापस ले आती है। इसके बाद नॉर्मन और एमा को पता चल जाता है कि ये वॉच एक तरह का ट्रैकर है और वो उसे सारे बच्चों को ट्रैक करती है। इसके बाद रात को मॉम एमा के पास आती है। एमा बहुत डर जाती है लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेती है और कहती है कि एक दिन मुझे भी ये जगह छोड़कर जाना होगा। इसके बाद आधी रात को नॉर्मन और एमा बहुत सारे टेबल क्लॉथ छुपाते हैं ताकि वो उसकी एक रस्सी बना सकें और उसको ट्री होल में छुपा देते हैं। और एमा कहती है कि हमें अपने प्लान में रे को शामिल कर लेना चाहिए। रे उनकी बात सुन रहा होता है और फिर वो उनके पास जाता है। दोनों रे को सब कुछ बताते हैं, जिस पर एक कहता है कि हम तीनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, सारे बच्चों को लेकर भागना इम्पॉसिबल होगा। जिस पर एमा कहती है रे हेल्प करेगा तो पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद शाम को मॉम सारे बच्चों को सिस्टर क्रोन से मिलाती है जो यहाँ से केयर टेकर ज्वाइन हुई है। इसके अलावा नाथ आश्रम में एक न्यू बच्ची भी आती है जिसका नाम करॉल होता है। अब नॉर्मा और एमा थोड़े टेंशन में आ जाते हैं कि अब मॉम के साथ करण को भी ध्यान रखना होगा और एपिसोड 2 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मॉम सिस्टर को उनका रूम दिखा रही होती हैं और वो रूम नॉर्मन एमा और रे के रूम के सामने वाला होता है। इसके बाद हम मॉम और सिस्टर को बात करते हुए देखते हैं। उनकी बात से हमें पता चलता है कि ऐसा बेला अब तक की सबसे यंगेस्ट मॉम थी और सिस्टर क्रोन इस बात से जेलस फील करती थी। और इसाबेला ये जानती थी कि दो बच्चों ने उस रात कॉनी की डेड बॉडी को ट्रक में देख लिया है, इसीलिए उसके क्रोन को बच्चों पर कड़ी नज़र रखने को लाया होता है। इसके बाद हम सिस्टर क्रोन को अपने डॉल से बात करते हुए देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो इसाबेला को रिप्लेस करना चाहती है और खुद उस जगह को ले लेगी। दूसरी तरफ एमा कैरोल के रूम में थी और वो उसके काम पर कुछ नोटिस करती है। वो उस कार वहाँ के सभी बच्चों के कान पर होती है और उसको लगता है कि ये ही ट्रैकर हो सकता है। ये देखते हुए गिल्डा एमा को नोटिस कर लेती है। इसके बाद हम मॉम को देखते हैं जो कि एक लेडी से बात कर रही होती है। मॉम उस लेडी को ग्रैंड मदर कहकर बुला रही थी और ग्रैंड मदर का कहना था कि बाकी अनाथ आश्रम ने खराब परफॉर्म किया है, मतलब कि और भी ऐसे अनाथ आश्रम हैं जो मॉन्स्टर के खाने के लिए बच्चों को भेजती हैं। और ग्रैंड मदर मॉम की सिचुएशन जानना चाहती थी और मॉम कहती है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम नॉर्मन एमा और रे को बात करते हुए देखते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम बच्चों को यहाँ से बचाने के लिए ट्रेन करेंगे और वो भी टैग गेम खेलकर। इसके बाद वो सब बच्चों को लेकर टैग गेम खेलने का प्लान करते हैं और सिस्टर क्रोन भी उसको ज्वाइन करती है। गेम स्टार्ट होते हैं, सिस्टर काफ़ी बच्चों को जल्दी ही ढूंढ लेती है और अब वो एमा की तरफ बढ़ने लगती है जो कि एक रॉक के पीछे छुपी हुई होती है। इसके बाद सिस्टर एमा को पकड़ लेती है और अब गेम के सिर्फ 8 मिनट बचे होते हैं। अब सिस्टर नॉर्मन और रे के पीछे भागती है। नॉर्मन और रे दोनों दो डायरेक्शन में भागते हैं और सिस्टर नॉर्मन के पीछे भागती है। इससे पहले कि सिस्टर नॉर्मन को पकड़ पाती, रे टाइम आउट डिक्लेयर कर देता है। इसका मतलब कि बच्चों ने सिस्टर क्रोन को हरा दिया होता है और सिस्टर बच्चों को बधाई देती है। इसी बीच हम गिल्डा को देखते हैं जो काफ़ी परेशान दिख रही थी। इसके बाद हम नॉर्मन एमा और रे को स्टोर रूम में देखते हैं जो डिस्कस कर रहे होते हैं कि सिस्टर और मॉम के अलावा कोई और है जो उन पर नज़र रख रहा है। वो कोई स्टूडेंट है और वो सारी इन्फॉर्मेशन मॉम तक पहुँचा रहा है और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत हम नॉर्मन को अपने बैग में कुछ रखते हुए देखते हैं जो कि बैट के नीचे कुछ छुपा रहा होता है। इसके बाद हम मॉम और सिस्टर को देखते हैं जहाँ मॉम सिस्टर पर गुस्सा होती है क्योंकि उन्होंने बच्चों के साथ टैग गेम खेला था। मॉम के हिसाब से सिस्टर का नाम का काम सिर्फ बच्चों पर नजर रखने का था। इसके बाद सिस्टर गुस्साते हुए अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम ग्राउंड में नॉर्मन एमा और रे को देखते हैं। ने नॉर्मन से पूछता है कि ट्रैकर को हटाने के लिए कोई सोल्यूशन मिला, जिस पर नॉर्मन कहता है कि अगले 10 दिन में मिल जाएगा और उसके अगले 10 दिन बाद हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। और नॉर्मन कहता है कि मॉम को लग रहा होगा जिस बच्चे ने कोनी की डेड बॉडी को देखा है वो फेयरवेल वाले दिन ही यहाँ से भागने का प्लान बनाएंगे, लेकिन हम फेयरवेल से पहले ही भाग कर मॉम को चकमा दे देंगे। इसके बाद वो लोग अपनी टीम को और बढ़ाना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने गिल्डा और डॉन को सब कुछ बता देते हैं। पहले तो वो लोग उनका विश्वास नहीं करते हैं, फिर नॉर्मन उनको लिस्ट दिखाता है जिसमें 6 साल के उन सभी बच्चों का नाम होता है जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं और टाइम से पहले ही उन्हें फेयरवेल दे दिया जाता है और उनमें कॉनी का भी एक नाम होता है। गिल्डा और डॉन उनकी बात मान जाते हैं, फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही रे नॉर्मन से पूछता है कि उसने उन दोनों से मारने वाली बात क्यों छुपाई, जिसमें नॉर्मन कहता है कि अगर वो बता देता कि बाहर जाकर कॉनी मर गई है तो वो दोनों डर जाते। रे को ये बात अच्छी नहीं लगती। रे कहता है कि जब उनको ये बात पता चलेगी तो वो लोग बहुत हर्ट हो जाएंगे। नॉर्मन के गिल्डा और डॉन को इसीलिए चुना था क्योंकि उनको उन दोनों पर शक होता है कि मॉम के जासूस इन दोनों में से कोई एक है। इसके बाद नॉर्मन रे को अपना प्लान बताता है जिसपे वो पता लगा पाएगा कि मॉम का जासूस कौन है। वो डॉन और गिल्डा को बता देगा कि उसने बाहर भागने के लिए जो रस्सी बनाई है वो कहाँ रखी है। वो दोनों को डिफरेंट लोकेशन बताएगा। वो डॉन को बताएगा कि रस्सी बेड के नीचे और गिल्डा को बताएगा कि रस्सी वॉशरूम में है। जो भी जासूस होगा वो मॉम या सिस्टर को बता देगा और हमें भी पता चल जाएगा कि जासूस कौन है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। गिल्डा सिस्टर के रूम में जाती है और उसको जाते हुए एमा देख लेती है और दूसरी तरफ किसी ने मॉम को लेटर में रस्सी बेड के नीचे लिख दिया होता है। फिर गिल्डा को देखते हैं, वो सिर्फ सिस्टर को थैंक्स बोलने गई थी और कुछ नहीं, बाहर से उसकी बात एमा भी सुन रही होती है।
अब उन्हें डॉन पर शक होता है। रे और नॉर्मन बात कर रहे होते हैं कि कोई बच्चा मॉम का जासूस क्यों बनेगा। रे कहता है कि उसको किसी तरह का फ़ायदा मिलता होगा। इसके बाद नॉर्मन एमा से पूछता है कि क्या तुम अब भी सारे बच्चों यहाँ तक कि जासूस को भी बचाना चाहती हो। लेकिन एमा भी हाँ कहती है। इसके बाद नॉर्मन और रे दोनों जगह की रस्सी को चेक करते हैं और जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि बेड के नीचे से रस्सी गायब हो जाती है और रे नॉर्मन से कहता है कि डॉन जासूस है। नॉर्मन रे की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे पता है कि जासूस डॉन नहीं बल्कि तुम हो। और एपिसोड 4 यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में नॉर्मन रे को कहता है कि बात मैंने 3 लोगों को बताई थी और बेड के नीचे वाली बात मैंने जानबूझकर तुम्हें बताई थी। इसके बाद रे कन्फेस कर लेता है, कहता है कि मुझे इस अनाथ आश्रम की सच्चाई बहुत पहले से पता है और मॉम ने मुझसे सच्चाई छुपाने को कहा था, इसीलिए मैं मॉम का जासूस बन गया। जासूस बनने के लिए मैंने 2 शर्त रखी थी कि बाकी बच्चों के मुकाबले मुझे इस अनाथ आश्रम में ज़्यादा साल तक रुकने देंगी और दूसरी ये कि आउटर वर्ल्ड से कुछ इक्विपमेंट लाकर दें। फिर रे बताता है कि मॉम से जितने इक्विपमेंट मुझे मिले हैं उससे मैंने ट्रैकर को तोड़ने का तरीका निकाल लिया होता है। नॉर्मन रे को बताता है कि तुम एक गद्दार हो, फिर भी एमा तुम्हें बचाना चाहती है, तुम मॉम को धोखा देकर हमारे साथ भाग सकते हो। रे कहता है कि मैं भी यहाँ से भागना चाहता हूँ, मैं एक ही शर्त पर तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, अगर टाइम आने पर तुम एमा को धोखा दोगे। मतलब कि तुम्हें एमा को ये यकीन दिलाना होगा कि हम सबको लेकर यहाँ से भागने वाले हैं, लेकिन हम 5 ही यहाँ से एक फील प्लान है जिसमें हम पकड़े जा सकते हैं। नॉर्मन रे की बात मान लेता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जो प्लान डिस्कस करने के लिए मिले होते हैं। वहाँ एमा पूछती है कि जासूस का कुछ पता चला, तो रे खुद ही बता देता है कि मैं मॉम का जासूस हूँ और कहता है कि मैं उस रात ही तुम्हें सब सच बताने वाला था, लेकिन तुम दोनों ने कॉनी की डॉल वहीं गिरा दी थी। सिचुएशन संभालने के कारण मुझे छुप कर रहना पड़ा था। एमा पूछती है कि क्या तुम अब भी हमारी टीम में हो, जिस पर रे हाँ कहता है। इसके बाद हम अगली सुबह गिल्डा और डॉन को नाराज देखते हैं। उनको लग रहा होता है कि उनसे बात छुपाई जा रही है और उनको प्लान में भी नहीं शामिल किया जा रहा है। फिर हम शाम को 5 ही बच्चों को लाइब्रेरी में देखते हैं। एमा बताती है कि मैंने और गिल्डा ने मॉम पे नज़र रखी है और मॉम के रूम के पास एक सीक्रेट रूम भी है। मॉम रोज़ रात 8 बजे कहीं गायब हो जाती हैं और वो सीक्रेट रूम में जाकर हेडक्वार्टर्स कॉल लगाती है। इसके बाद डॉन और गिल्डा को डाइनिंग टेबल लगाने को बुलाया जाता है। वो दोनों टेबल लगा देता है और उस सीक्रेट रूम में जाने का रास्ता भी ढूंढ लेते हैं और तभी वहाँ किसी के आने की आवाज़ आती है और एपिसोड 5 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉन और गिल्डा के पास एक छोटा बच्चा हाइड एंड सीक खेलते हुए आ गया था। इसके बाद हम एमा, नॉर्मन और रे को देखते हैं जो प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। रे कहता है कि उनके पास अनाथ आश्रम की ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आ गई है और वो ट्रैकिंग डिवाइस को भी तोड़ सकते हैं, अब बस उन्हें बाहरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरी तरफ हम डॉन को देखते हैं जो जानबूझकर मॉम से टकराता है ताकि वो सीक्रेट रूम की चाबी मॉम से ले सके। फिर डॉन और गिल्डा चाबी की मदद से सीक्रेट रूम में घुस जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ हर उस बच्चे का सामान होता है जो यहाँ से जा चुके हैं। डॉन को ये बहुत अजीब लगता है कि कोई बच्चा यहाँ से गया है तो उसका सामान यहाँ क्या कर रहा है। और डॉन कहता है कि ज़रूर वो तीनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद हम सबको डाइनिंग रूम में देखते हैं और डॉन उनसे काफ़ी नाराज़ होता है और वो बताता है कि उन्होंने सीक्रेट रूम में क्या देखा है। इसके बाद नॉर्मन सारी सच्चाई उन दोनों को बता देता है और गुस्से में डॉन नॉर्मन और रे को पंच मारता है। इसके बाद एमा, नॉर्मन और रे उनसे माफ़ी मांगते हैं और फिर से वो लोग एक टीम हो जाते हैं और रे को ऐसा लगता है कि कोई पीछे से हमारी बातें सुन रहा है। नेक्स्ट डे नॉर्मन एमा को कहता है कि अब बस एक दिन बचा है और सभी तैयारी हो गई है, बस कब बाहर कैसे भागना है वो क्लियर करना है। एमा कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और क्या हम उस रे को बता सकते हैं, जिसमें नॉर्मन मना कर देता है। इसके बाद नॉर्मन बेडरूम में जाता है और रे को बॉक्स में देखता है जहाँ लिखा होता है ये सब बस तुम लोगों को बचाने के लिए है। ये देखकर नॉर्मन खुश हो जाता है। इसके बाद हम उन सबको प्लान के बारे में डिस्कस करते हुए देखते हैं, लेकिन रे वहाँ नहीं होता है। नॉर्मन सबको कहता है कि हम रे की मदद से प्लान को आगे बढ़ाएंगे, रे मॉम को गलत इन्फॉर्मेशन देगा और हम अपना काम करती रहेंगे। दूसरी तरफ हम रे को मॉम के ऑफिस में देखते हैं। रे मॉम को गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि नॉर्मन मॉम को मारने का प्लान बना रहा है और दूसरी तरफ वो लोग प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सिस्टर आ जाती है और एमा से कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मैंने लास्ट नाइट तुम सबको बात करते हुए सुन लिया। और एपिसोड 6 यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन बस यहीं तक। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम इसकी आगे की स्टोरी आपको बता सकें। थैंक यू। We'll be right back.